राजधानी रायपुर में लूटपाट जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार फाफाडी चौक में एक लड़का ग्राहक सेवा केंद्र में घुस गया, उसके संचालक पर हथौड़ा से 3 बार वार किया, उसका भेजा ही बाहर आ गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ब्रेन की सर्जरी हुई है, अब तक उसे होश नहीं आया है। फाफाडी राजधानी का सबसे व्यस्ततम इलाका है। यहाँ श्रीनगर की निवासी याला प्रकाश, उम्र 52 साल का, ग्राहक सेवा केंद्र है। यहाँ फोटोकॉपी काम भी होता है। सोमवार को 4 बजे एक 25-30 साल का लड़का फोटोकॉपी कराने आया। उसने पर्स निकालकर आईडी दी। इस दौरान वह याला से इधर उधर की बातें करने लगा। फोटोकॉपी करके देने के बाद पर्स से पैसे निकाल कर भी दिया। जब पैसे को दराज में डाल रहा था, इस दौरान वह लड़का हथौड़ा निकाला और एक के बाद एक सिर में 3 वार किया। इतनी जोर से वार किया था कि याला का भेजा एक तरफ से बाहर आ गया, लहूलुहान होकर के बेहोश गया और कुर्सी पर ही लटक गया। इस बाद लड़के ने ग्राहक सेवा केंद्र का दरवाजा अंदर से बंद किया। फुटेज में दिख रहा है कि लड़के को किसी तरह का डर नहीं था। वह दरवाजा बंद करने के बाद ग्लव्स पहन रहा था और उसके बाद में दराज में रखे सारे पैसे निकाल लिए। काउंटर पर याला का मोबाइल रखा हुआ था, उसे उठाया और बाहर से दरवाजा बंद कर भाग गया। जब 2 महिलाएं फोटोकॉपी कराने आई तब पता चला। फाफाडी की घटना को छोड़ दें तो 2-3 दिन के भीतर चाकू लूट की कई वारदात हो चुके हैं, किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहली घटना अनुपम गार्डन के सामने सोमवार 8 बजे भी हुई थी। फिलहाल आप सीसीटीवी का ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, इस तरीके से युवक ने दुकानदार पर हथौड़े से हमला किया। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।